सो है गाइस, वेलकम बैक टू आर क्रिएटर जोन। सो फाइनली टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अतरब राउत की ये फोटो इंस्टाग्राम पर देखी एंड मुझे ये फोटो बहुत ही पसंद आई बिकॉज ऑफ मॉडिसियन कलर टोन। गाइस, ये जो एडिटर्स होते हैं, आई मीन इंस्टाग्राम पर लोग अपनी फोटोज को पोस्ट करते हैं, उनकी फोटोज में कुछ अलग ही यूनिक कलर इफेक्ट होता है बिकॉज ये लोग अपनी फोटो को फोटोशॉप पर एडिट करते हैं, जो कि लाइट रूम में एडिट करना बहुत ही हार्ड है। दैट्स व्हाई गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूँ मॉडिसियन प्रीसेट, जैसे यूज करके आप भी अपनी फोटो को फोटोशॉप जैसे एडिट कर सकते हैं इन ओनली वन क्लिक। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पर मैं भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पर अभी लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। एंड गाइस, आप लोग भी अपने फोन के अंदर लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड इसके अंदर अपनी फोटो एंड प्रीसेट को इंपोर्ट करना है। तो गाइस, आपको प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाकर प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी फोटो एंड प्रीसेट को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। गाइस, इसके अंदर मैंने अपनी प्रीसेट एंड अपनी फोटो को इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑल फोटोज वाले फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हो, जो हमारा प्रीसेट है आपको कुछ इस टाइप देखने के लिए मिलेगा। तो आपको प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी फोटो है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर मॉडिसियन कलर इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रीसेट को यहाँ पर ओपन करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कर देना है कॉपी सेटिंग। गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ से कॉपी सेटिंग कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से वापस आना है एंड यहाँ पर जो भी आप फोटो को एडिट करेंगे सिंपल अपनी फोटो पे इसको पेस्ट कर देना है। एंड गाइस, मैंने यहाँ पर जैसे पेस्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी फोटो है एडिट हो चुकी है एंड कितना औसम लुक हमारी फोटो में आ गया है। बट गाइस, यहाँ पर जो जींस है इस पे ड्यू इफेक्ट आ गया है। तो गाइस, हम लोग इसे कैसे रिमूव करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस वाले टूल में जाना है एंड यहाँ से आपको जाने के बाद इसके अंदर कुछ मैनुअल एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको जो ब्लू कलर है इसको सिलेक्ट करना है एंड इसकी जो सेचुरेशन है आपको थोड़ा माइनस में करना है एंड इसकी जो लुमिनस है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है ह्यू को थोड़ा सा माइनस, सॉरी गाइस, आपको इसको थोड़ा सा प्लस करना है एंड प्लस करने के बाद आपको यहाँ से स्काई कलर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसके सैचुरेशन को इसको थोड़ा सा माइनस करना है एंड इसकी भी ल्यूमिनस को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करना है एंड इसकी ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा माइनस करना है एंड उसके बाद ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर जो है सेकंड वाला ऑरेंज इसको सिलेक्ट करना है एंड इसकी भी सैचुरेशन को माइनस करना है एंड इसकी ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो जो मेरी यहाँ पर फोटो है एडिट हो चुकी है एंड गाइस काफ़ी अच्छी यहाँ पर फोटो लग रही है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर और भी अपनी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर और भी मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वाले टूल में जाना है एंड इसकी क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इससे गाइस हमारी फोटो में एक क्लियरिटी लुक आएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो विस्टेज लुक है इसको भी हम थोड़ा अपनी फोटो में डाल देते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर -22 रखेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं गाइस जो हमारे पास फोटो एडिट हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी यहाँ पर फोटो लग रही है, एक औसम लुक हमारी फोटो में आ गया है। एंड यहाँ पर अभी हम इसकी सेटिंग को कॉपी करेंगे एंड कॉपी सेटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो दूसरी फोटो है उसमें भी इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक फोटो कुछ इस टाइप की है, सिंपल मैंने थ्री डॉट पर क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने गाइस जैसे यहाँ पर पेस्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो एडिट हो चुकी है एंड बहुत ही अच्छी फोटो यहाँ पर लग रही है। आप लोग भी अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर हम लोग इफेक्ट इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे। आपको यहाँ पर इस वाले टूल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम लोग जो साइड में एक सनसेट व्हाइट पे यहाँ पर कलर इफेक्ट डालेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको आ जाना है इस वाले टूल में लाइनर ग्रेडियंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको इसको इस तरह से करना है। एंड गाइस, यहाँ से करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले इसको करने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको इस वाले टूल में जाना है, इसको जो कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड यहाँ से आपको इस वाले टूल में जाना है, कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाना है एंड गाइस इसकी जो सैचुरेशन है उसको माइनस करना है। एंड गाइस, यहाँ से आपको थोड़ा सा कर देना है, येलो कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ से डालने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी फोटो है एडिट हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी हमारी फोटो लग रही है। तो आप लोग भी अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।